यहाँ पे हमने इसका रेसिपी डाला हुआ है, रेसिपी डालेंगे इसके ऊपर, आप देख सकते हैं पूरा या इसको हम कटिंग करके क्रश करेंगे थोड़ा यहाँ पे। ओरियो का बिस्किट है इसके अंदर मेल्ट कर देंगे, आप देख सकते हैं पूरा। अब देख सकते हैं पूरा इसको अच्छे से वन टर्न में बना रहे हैं पूरा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल, आप सभी का खूब खूब स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशली न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू बिजनेस, न्यू आइडियाज लेके आया हूं आपके लिए। ये बिजनेस करके आप रोजाना मैक्सिमम 5 से 7 हज़ार रुपये तक का नेट प्रॉफिट कर सकते हो, और ये बिजनेस एकदम नया कॉन्सेप्ट, न्यू लॉन्चिंग है, मार्केट में नया बिजनेस है। दोस्तों, आपके शहर, आपके गाँव में आपने इस तरह का बिजनेस कहीं पर नहीं देखा होगा, ना ही आपने इस तरह का आइसक्रीम खाया होगा, क्योंकि ये बिजनेस बड़े बड़े मेट्रो सिटीज रहते हैं, जैसे कि मुंबई है, अहमदाबाद है, हैदराबाद है, बेंगलोर से, वहां पे बड़े बड़े सिटी और बड़े बड़े मॉल्स में मिलते हैं, लेकिन छोटे सिटी, छोटे डिस्ट्रिक्ट, छोटे गांव में इस तरह का आइसक्रीम, इस तरह का क्वालिटी, इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं मिलता है। और जो चीज नहीं मिलता है, जो चीज नया रहता है, जो चीज एट्रैक्टिव रहता है, वही लोग ज्यादा डिमांड करते हैं। आप अपने शहर में यह मशीन लगा के अपना पहला बिजनेस स्टार्ट करेंगे, लोग एक्स्ट्रा कोई एट्रैक्टिव चीज खाने के लिए आपके वहां तुरंत इकट्ठा हो गए दोस्तों, क्योंकि वो चीज मार्केट में अवेलेबल नहीं है। आपके शहर में आप चालू करेंगे तो अगल बगल में या आपके शहर में इस टाइप का कॉन्सेप्ट कहीं पे बाजार में अवेलेबल नहीं है। ये बिजनेस को बोलते हैं रोल आइसक्रीम मशीन, बोलते हैं तवा आइसक्रीम मशीन, बोलते हैं फ्राइड आइसक्रीम मशीन, बोलते हैं जिसको आप पाव भाजी जैसे कॉन्सेप्ट रहता है, पाव भाजी आप बनाते हो वो हिसाब से इसमें से आइसक्रीम बना सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट, डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी डाल के। इसके अंदर से आप नेचुरल फ्रूट का भी आइसक्रीम बना सकते हो, सिंथेटिक भी बना सकते हो, वाटर बेस्ड भी बना सकते हो। वाटर बेस्ड में क्या बना सकते हो, वाटर बेस्ड में आप सॉफ्ट ड्रिंक जैसे कोका कोला का किसी को आइसक्रीम खाना है, थम्सअप का आइसक्रीम खाना है, माजा फ्रूटी का आइसक्रीम खाना है किसी को, फेंटा का, ऑरेंज का आइसक्रीम खाना है, वाटरमेलन का लाइव आइसक्रीम खाना है, तो आप कोई भी नेचुरल फ्रूट बना के इसको कटिंग करके इसमें से लाइव आइसक्रीम खड़े खड़े 5 से 7 मिनट के अंदर 2 से 3 कस्टमर को आइसक्रीम बना के दे सकते हैं। ये आइसक्रीम का एक कप बनाने का दोस्तों खर्चा, इस टाइप का अगर आप एक कप बनाते हो तो एक कप बनाने का खर्चा 8 से 10 रुपया जाता है, बाजार में 70-80 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपये के अंदर मार्केट में सेल होता है चीज दोस्तों। तो चलिए मैं दोस्तों मैं इसमें आपको रेसिपी बता दूं कि कैसे इसको रेसिपी बनाना है। पूरी मशीन स्टेनलेस स्टील से बनाई गई है दोस्तों, इसके अंदर से आप कोई भी फ्लेवर का आइसक्रीम बना के लाइव कस्टमर को खिला सकते हैं इसके अंदर दोस्तों। तो हम आज दोस्तों आपको बनाने वाले ओरियो का लाइव आइसक्रीम बना के दिखाने वाले दोस्तों। ये ओरियो का बिस्किट है हमारे पास, प्लस इसके अंदर हम डेरी मिल्क का चॉकलेट डालेंगे, प्लस इसके अंदर हम बॉर्नविटा का जो फ्लेवर रहता है ये ऐड करेंगे, यहाँ पे टॉपिंग्स पड़ा है वो भी ऐड करके उसका लाइव आइसक्रीम आपको बनाएंगे। अभी यहाँ पे तवे पे कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हैं पूरा खाली पड़ा हुआ है, खाली तवा नु देखा नहीं है हाइट में, आप देख सकते हैं पूरा चिलिंग हो रहा है, पूरा ठंडक आ रहा है इसके अंदर। अभी हम इसके अंदर ओरियो का बिस्किट डालेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे ओरियो का बिस्किट है हमारे पास, ये ओरियो का बिस्किट यहाँ पे ऐड करेंगे, उसके ऊपर हम यहाँ पे हमने इसका रेसिपी डाला हुआ है, रेसिपी डालेंगे इसके ऊपर, आप देख सकते हैं पूरा यह, इसको हम कटिंग करके क्रश करेंगे थोड़ा यहाँ पे। ओरियो का बिस्किट है इसके अंदर मेल्ट कर देंगे, आप देख सकते हैं पूरा। अब देख सकते हैं पूरा इसको अच्छे से वन टर्न में बना रहे हैं पूरा इसको, जो ओरियो का बिस्किट है पूरा है मिल्क के साथ मिक्स हो चुका है। इसके अंदर थोड़ा हम डेरी मिल्क भी डालेंगे यहाँ पे, डेरी मिल्क का हमने जो चॉकलेट लिया हुआ है डेरी मिल्क भी डालेंगे इसके अंदर, आप देख सकते हैं डेरी मिल्क है, इसको भी हम थोड़ा क्रश कर देंगे, थोड़ा बॉर्नविटा डालेंगे इसमें, जिससे टेस्ट बनेगा, क्वालिटी टेस्ट आएगा कस्टमर को, थोड़ा चॉकलेट का टॉपिंग ऐड कर देंगे इसमें, आप देख सकते हैं इसको डेरी मिल्क को भी थोड़ा क्रश कर देंगे साथ में। इसको थोड़ा प्लेट के ऊपर पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, आप देख सकते हैं पूरा इसे पेस्टिंग कर देंगे इसको। थोड़ा ऊपर डेकोरेशन के लिए टॉपिंग्स भी डालेंगे इसमें चॉकलेट का।
जैसे आपको यहाँ से इसको पेस्टिंग करना है, इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए थोड़ा छोड़ देंगे, यहाँ से बटन दिया गया है डिस्ट्रॉय के लिए, जो प्लेट अभी जमा हुआ है इसको आसानी से छोड़ देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं पूरा रोल बन के तैयार हो चुका है। इसमें इस टाइप से आप लगा के उसके ऊपर कोई बिस्किट आपको लगाना है, जैसे कि ओरियो का बिस्किट ऐड करना है इसके ऊपर, इसके ऊपर अलग से आप बिस्किट लगा के ऊपर से टॉपिंग्स लगा के इस टाइप का रोल बना के कस्टमर को लाइव सर्विंग दे सकते हैं यहाँ से। या भी कोई वेफर या ऐसा कुछ भी लगाना है तो आप आसानी से देखिए पूरा ऐसे कप बना के बाजार में दे सकते हैं। इस टाइप का आप डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी का डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट का चीज बना के बाजार में दे सकते हैं दोस्तों। आइसक्रीम में भी इसमें से कोई बनाना है तो हमारे पास यहाँ पे सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन पड़ा हुआ है, यहाँ पे सॉफ्टी आप देख सकते हैं, इसमें से हम फ्लेवर निकालेंगे वेनिला का, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। वेनिला आइसक्रीम को भी अगर चॉकलेट का चोको चिप्स से कैडबरी ये डाल के भी आपको बनाना है तो इसमें आप डाल के बना सकते हो ऐसे, जैसे कि हमने भी वेनिला का आइसक्रीम डाला है इसके अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ पे। वेनिला आइसक्रीम डालने से आपको इसमें ऊपर से मिल्क ऐड नहीं करना है, हमने ओरियो का बिस्किट डाल दिया है, प्लस इसमें चोको चिप्स के लिए कैडबरी डालेंगे इसमें चोको चिप्स करने के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अभी हम इसको अच्छे से वेनिला आइसक्रीम को अच्छे से मेल्ट कर देंगे, आप देख सकते हैं पूरा इसका चॉकलेट भी ऐड कर देंगे यहाँ पे, नर्सिस का चॉकलेट ऐड कर दिया हमने। ये पूरा हार्ड हो रहा है आप देख सकते हैं पूरा। इसका भी हम यहाँ पे लहर बना देंगे अच्छे से, आप देख सकते हैं पूरा। इसे लहर बना देंगे पूरा। वेनिला को हमने बना दिया चोको चिप्स, ऊपर डाल देंगे थोड़ा बॉर्नविटा, आप देख सकते हैं बॉर्नविटा का जो पाउडर था हमारे पास वो हमने ऐड कर दिया इसके अंदर। पे हम लाइनिंग ले लेंगे थोड़ा, उसमें बाद में बॉर्नविटा का भी जो हमने बनाया है उसको यहां से डिस्ट्रॉय का बटन है, डिस्ट्रॉय का बटन दबाएंगे, आप देख सकते हैं यहां पे। आप देख सकते हैं पूरा रोल बन के तैयार है। रोल बन के तैयार हो चुका है सब। अभी सभी रोल को हम कप में भर देंगे यहाँ से। ये अपना चोको चिप्स वेनिला के अंदर से हमने चोको चिप्स बना के रख दिया है, आप देख सकते हैं पूरा वेनिला आइसक्रीम था उसका हमने बना दिया चोको चिप्स। इस तरह का डिफरेंट डिफरेंट टाइप का वेराइटीज आप ये मशीन के अंदर बना के बाजार में सेल कर सकते हो बहुत ही आसानी से। इसके ऊपर आप चॉकलेट डाल सकते हैं इसे, उसके ऊपर आप ओरियो का बिस्किट रख सकते हैं इसे, अगर ओरियो का बिस्किट रखना है आपको, ऊपर बॉर्नविटा थोड़ा ऐड करना है तो बॉर्नविटा छिड़क सकते हैं ऊपर से, आप देख सकते हैं पूरा। तो दोस्तों इस तरह का बेहतरीन क्वालिटी का मशीन, इसके अंदर से डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज का आप आइसक्रीम बना के बाजार में सेल कर सकते हो, जैसा कस्टमर चाहता है वैसा चीज आप बना के बाजार में सेल कर सकते हो। आज की तारीख में बहुत ही अच्छा बहुत ही कॉन्सेपल बिजनेस है दोस्तों, बाजार में बहुत ही नया है, अट्रैक्टिव है। तो इस तरह की बेहतरीन क्वालिटी की मशीन के लिए डॉल्फिन अप्लायंस में एक बार जरूर कॉन्टेक्ट करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉल्फिन अप्लायंस।